तेरी गली में आता सनम, तुझसे रहा ना जाता सनम। लो आज इधर आया हूँ मगर लेके मैं ये दीवाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर दिया है, संडे का दिन है, बच्चे घर में सो रहे हैं, मैं और कोको अभी घूम रहे हैं, तो हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। और ये पता नहीं खुरापाती क्या करना चाहता है, आज सारी इन्वेस्टिगेशन आज ही करेगा गाइस। ये क्या करना है कोको, क्या चाहिए बेटा, कहाँ जाना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? गाइस, कोको को अभी घुमा के ले आया हूँ, और अभी जो है बारिश का मौसम बना हुआ है बराबर। अगर आप देखोगे तो बारिश ऐसे लग रहा है, पता नहीं कब आएगी, लेकिन कभी भी आ जाएगी, बारिश का कोई पता नहीं चल रहा है। फिलहाल देखो आसमान जो है एकदम झुका खड़ा हुआ है, और बारिश पूरे 100% तौर पर लग रही है अभी तक, तो आएगी और इतनी भयानक आएगी कि आप देख के भी कहोगे हाँ श्याम जी क्या बोला आपने, वाकई में भयानक बारिश आएगी। और इधर देखिए घर में काम हो रहे हैं, तो राधिका एज यूजुअल अपना झाड़ू पोछा क्लीनिंग में अपना योगदान दिखाती हुई, तो आज जाले हटा दिए जाएंगे, जितने भी मकान के मन में जो जाले लगे हुए थे सारे हटा दिए जाएंगे गाइस। और इन जालों को हटाने की बात ही अलग है। और मुस्कान देख रही है कैसे जाले हटाए जाते हैं, ये देखें मुस्कान को, पहली बार हम कैप्चर कर रहे हैं ठीक से। मुस्कान जाले हटाने आते हैं? अरे हाथ ही पोछे पोछे ही पंखे तक नहीं। नहीं भाभी मैं तो छोटी हूँ। सही बात है, मेरे से गाइस इस तरह की उम्मीद रखना कि जब भी मेरे लिए शब्द निकलेंगे तो ऐसे शब्द निकलेंगे कभी भी बाथरूम जैसे रामचंद्र जी को वनवास दे दिया जा रहा हो, कभी भी केकई के जैसे शब्द होते हैं ना गाइस, के कई सुना होगा आपने और देखी भी होंगी रामायण में, तो वैसे तो मेरे लाडला मेरा प्यारा रामचंद्र जी को प्यारा कहती रही पूरी जिंदगी के कई। और जब वक्त आया तो वक्त पे उसने वही जहर उगला गाइस, और वैसी ही आप देख सकते हैं इस नारी को, मतलब कोई भी बात आती है ना काम की तो गाइस एक दिन भी ऐसे ही देखते रहते हैं, नहीं अभी तुमने बोला मुझे, मैंने क्या डायलॉग मारना है, मैंने तो कोई डायलॉग नहीं मारना है, मुझे कोई डायलॉग आता भी नहीं है मारना, मैं तो बिना डायलॉग के ही जिंदा हूँ। ये जैसे है ना वैसे है नहीं, और मैं हाँ, जैसी ना, है। मैं वैसी ही हूं। गाइस अपनी तारीफ कोई कैसे कर सकता है, इतनी तारीफ अपने मुंह मियां मिठू बनना कोई मैडम से सीखे, राधिका रानी से सीखे। तो गाइस अभी सुनीता चल पड़ी है, और सुनीता फुल फॉर्म में दिखती हुई, और ये लगेगा चौका। हाँ सारा कूड़ा निकाल दो, इतने सालों से कह रहा हूँ कि इसको सबको निकाल दो, किसी काम का नहीं है, लेकिन आप नहीं सुनते हो मेरी। और इसका नतीजा मुझे ये, यहाँ देखो गाइस सामान ना कुछ जोड़ जोड़ के रखा हुआ है, देखो दिखाता हूँ, ये सब टूटे फूटे जो चीजें हैं ना, मैंने काफी टाइम पहले बोला था मैडम को कि मैडम इनको बेच दो, उठा के फेंक दो, लेकिन नहीं मैंने, अरे ये वाला भी फेंक देना आज, एक स्कूटर तो इसका ठीक है, ये दूसरा स्कूटर फेंक देना, राधिका ये भी दे देना, किसी काम का नहीं है, चोटी मारता रहता है, हाँ चोटी मारता रहता है जब देखो, ठीक है। तो मौसम के बारे में क्या कहना है मौसम विभाग के कर्मचारी? अच्छा हो रहा है, सुहावना सा मौसम हो रहा है। अच्छा, और उधर बैठे हैं हमारे कबूतर बाबू, रोज आ जाते हैं हमसे प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग बिल्कुल आएगी, और लाइट चली गई है एरिया में, तो आप देख सकते हैं जो आवाज़ें आ रही हैं ना, ये आवाज़ें जो है हमारे जनसेट की जैसी हैं, तो सबके जनसेट ऑन हो रखे हैं, जितने भी ये मल्टी स्टोरीज हैं सबके चल रहे हैं, तो एक अजीब सा कंपन आया हुआ है पूरे एरिया में। काम के लिए मुझे बोला करो जनरेटर, आराम से बोलो जनरेटर बोलना है, क्या बोलते हैं? हाँ जनरेटर बोल देंगे जी हम तो, जनरेटर ना बोल के जनरेटर बोल देंगे। तेरी गली में आता सनम, तुझसे रहा ना जाता सनम, लो आज इधर आया हूँ मगर लेके मैं ये दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, टन मेरी नजरें तो दिला करती है। भैया तुझे क्या आफत आ गई है कोको, व्हाट हैपेंड? तो गाइस आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस एक बजने जा रहा है और इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको एक नोट लिखना है कि आप कौन हो, आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या खाते पीते हो। बेटा ऐसे नहीं करते हैं। तो अभी वत्सल देखिएगा, आपको थोड़ी देर में दिखाएगा। आज का इसका जो गोल है वो ये है कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा और लिख के फिर उसे बताएगा भी पढ़ के। बाकी ये कह रहा है मैं नहीं लिखूंगा, लिखेगा, इसको लिखना पड़ेगा। देखो टेढ़े टेढ़े चश्मे कर लिए इसने गाइस। वत्सल ने लिख दिया है अपना जो लिखना था, उसे अबाउट अस इंट्रोडक्शन लिखवाया था मैंने, अभी वो पढ़ के दिखाएगा आपको कैसे लिखता है। दिखाओ बेटा। अबाउट माय सेल्फ, माय नेम इज वत्सल, आई एम 8 इयर्स ओल्ड, आई लिव इन, माय फादर इज वर्किंग एंड माय मदर इज होममेकर, आई डू स्टडी इन थर्ड क्लास एंड माई स्कूल नेम इज साइकिलिंग एंड आई डोंट प्ले विद माई पेट कोको, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू। देखिए गाइस खुशी की लहरें आ गई हैं, जरा सा काम करने के बाद ही। अब देखो साइकिल ठीक कराने के लिए, बेटा बारिश हो रही है, वो तो आया ही नहीं आज। हाँ आज करा, आज करा देता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बारिश हो रही है तो कैसे, वो बैठता ही नहीं है ना खुले में। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी रोटी बनाए, आए हाय क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है हैप्पी फ्रेंडशिप डे के नाम पे। तुम्हारी फ्रेंड नहीं है सोनिया, फ्रेंड है तुम्हारी करुणा, फ्रेंड है तुम्हारी, तो उनको विश करो ना, उन्हें क्यों भूल गई हो तुम? मुझे याद करते हैं वो फ्रेंड, तो क्योंकि तुम नहीं याद करती, तुम सब में यही तो ईगो आ गई है। फ्रेंडशिप के नाम पे फ्रेंड वही होता है जो पहले शुरुआत कर दे, और वो हमेशा याद करती है। मैंने तो नहीं देखा, करुणा के भी हमेशा आते रहते हैं। अरे पापा मो गरीब को तो प्यार प्यार में फांसी की सजा सुना दी जाएगी ऐसा लग रहा है। देखो मो को तो यहाँ लड़की ने तो पता नहीं मेरे को देखे डरावना रूप बना रखा, बालन को नीचे गिरा गिरा के, ऐसे लग रहा है जैसे वो 3 बजे कौन आती थी, वो 3 बजे दीदी के अंदर कोई मैरीगोल्ड करके आती थी। अरे बेटा वो ब्लड मैरी थी, मैरीगोल्ड नहीं थी। अच्छा तो वही लग रही थी हमें अभी, तो ये चली गई ना। चलो मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ तुम लोगों के पीछे नहीं रहूंगा मैं। दिख मेरे को तो बुला लिया, मेरी पहाड़ वाली मैया तेरी सदा ही जय हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बेटा, मेरी मैया मेरी फ्रेंड बन गई रे। अच्छा फ्रेंड है मेरे बच्चा को। तो गाइज अभी हुए 3:00 और अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको इधर। पहले गाइज आप इनकी सुन लीजिए, मैं बाद में बात करूंगा। ये देखिए घर में आई हुई है एक नई फैशन ब्यूटी पार्लर। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से मिलने वाले एक नए और बढ़िया बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।